जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी का बड़ा बयान, मदिरा और मांस की बिक्री होगी बंद मथुरा में। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। जन्माष्टमी के मौके पर कल यानी सोमवार को सीएम आदित्यनाथ योगी कृष्ण नगरी मथुरा पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बड़ी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि मांस और मदिरा की बिक्री पर मथुरा पर पूरी तरह से रोक लगा दिया जाएगा, जिसका उद्देश्य होगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाए रखना। सीएम योगी ने कहा कि जिला प्रशासन को इससे जुड़े निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो इस संबंध में मदिरा और मांस की बिक्री को रोकने के लिए इससे जुड़ी कार्य योजनाओं को बनाएं और जो इस काम को करेंगे उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाएगी। जन्माष्टमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के उत्सव में तो आए, लेकिन साथ ही वो आगे कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के अलावा और कोई भी धार्मिक स्थानों पर नहीं आता। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश और प्रदेश में विकास के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के लिए कोशिश की जा रही है। अयोध्या में विशाल मंदिर निर्माण चल रहा है। आजादी के बाद रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अयोध्या जाकर पहली बार रामलला के दर्शन किए। जो राजनेता पहले मंदिर जाने में घबराते थे, अब वह श्री राम को अपना बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू त्योहारों पर बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के नेता नहीं आते हैं। अलर्ट जारी होता था कि रात्रि में कार्यक्रम नहीं होंगे। सीएम योगी ने कहा कि हमारे कान्हा तो रात को 12 बजे ही जन्म लेते हैं, अब समय आ गया है कि हमें अपने धार्मिक धरोहरों को संरक्षित करना चाहिए।